हाय दोस्तों, मैं आपका भाई पवन नाथ योगी। आपने मेरे चैनल के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको ऐसा वीडियो बना के दूंगा, उससे हर मैकेनिक के लिए प्रॉफिट की बात होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बुक हर मैकेनिक के लिए ये बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक हो, सबके लिए ये काम की है, बहुत काम की बुक है ये। ये बुक परचेज की है मैंने, गिफ्ट दी है मेरे को सरदार जी, है जगजीत सिंह जी ने ये बुक गिफ्ट दी। इस बुक के अंदर क्या है क्या नहीं है ये सब देखेंगे। इसमें हर मैकेनिक के लिए हर रोज़ एक नई समस्या पैदा हो रही है, उसके लिए मैकेनिक क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के स्टाफ के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बुक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना मदद करेगी, आपका टाइम बचेगा। जो आपको जहाँ पे 5 घंटे लगते हैं, वहाँ पे 2 घंटे 1 घंटे में काम आप कर सकते हैं इस बुक की मदद से। एक बुक तो बहुत बढ़िया दोस्तों, है। अब इस बुक को खोल के देखते हैं सरदार जी ने कितना इसके अंदर अपने अनुभव का, ज्ञान का भंडारण इस बुक के अंदर किया है, देखेंगे। जगजीत सिंह जी सरदार जी है, उन्होंने ये बुक मेरे को गिफ्ट दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बुक का फ्रंट पेज है, ठीक है। इसका बुक का फर्स्ट पार्ट है, ये आपको हिंदी एडिशन में मिल जाएगा, पंजाबी में मिल जाएगा और इंग्लिश में मिल जाएगा। 3 लैंग्वेज में आपको ये बुक मिलेगी, ठीक है। कार और ट्रक्स के लिए है ये। ईशियम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर, इनका ये ईशियम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर भी है। अब बुक के अंदर चलते हैं, सरदार जी ने क्या नॉलेज दिया है। ये बुक देखिए, जगजीत सिंह जी, ये इस बुक को इन्होंने बनाया है, अपना सारा का सारा ज्ञान इस बुक के अंदर रखा है। देखते हैं, ये देखिए, चैप्टर वाइज चैप्टर इस बुक में हर चीज़ दी हुई है। रिंग सेंसर, कैम सेंसर, एयर मास सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, स्पीडोमीटर सेंसर, सब के बारे में डिटेल से बताया है। इसमें कितनी रीडिंग आएगी, इसमें एक सबसे अच्छी बात ये लगी है मुझे, सरदार जी ने माइक्रोमीटर से कैसे, कौन से सेंसर को कैसे चेक करते हैं। इसमें 3 तारों का होगा तो वो कैसे चेक होगा, 2 तारों का चेक होगा तो कैसे चेक होगा, ये सब मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। सरदार जी ने इतना इसमें क्लियर से बताया है। बुक लेके रखने से कुछ नहीं होगा, उस इसको रीडिंग करने से आपको अनुभव होगा इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जैसे आपने बुक परचेज कर ली, टाइम निकालना पड़ेगा, मैकेनिक के पास टाइम नहीं होता है, बहुत कम टाइम होता है, लेकिन टाइम इस बुक के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। रिजल्ट रिजल्ट 100% इस बुक से रिजल्ट, इस काम को करने में इंटरेस्टेड है उसको ये बुक ज़रूर परचेज करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत कुछ नॉलेज है इस बुक में। एक मैकेनिक अच्छी तरह से ये बुक पढ़ लेगा तो उसे लगभग इलेक्ट्रिशियन के सारे चैप्टरों का पता चल जाए। इलेक्ट्रिशियन कौन सी प्रोसेस तक वायरिंग चेक करके, सेंसर चेक करके ईसीएम तक पहुंचता है, और ईसीएम की तो अलग लाइन हो गई, मैकेनिक का काम होता है ईसीएम तक पहुंचना। अगर वो ईसीएम तक पहुंच गया तो सारे क्लियर, उसके डाउट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके पास वही रहेगा ईसीएम, वो है उसको कोई दुकान पे या कोई शॉप है वहाँ पे ईसीएम की, वहाँ पे ले जाके उसकी स्कैनिंग करा के उसको सही कराना, वही प्रोसेस रहेगी। और वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंसर है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अपन बढ़िया तरीके से सब देख सकते हैं। देखते हैं वो सरदार जी ने किस तरीके से इस बुक में और आगे बताया है। एक चैप्टर देखेंगे हम, इसमें 11 नंबर चैप्टर देखेंगे, डायग्नोस फिलोसफी, ठीक है दोस्तों। इसमें मतलब नए बालकों को ज़रूर ये बुक लेनी चाहिए, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिसने अभी नया स्कैनर परचेज किया है, उसको कैसे आगे उसको चलाना है, क्या करना है, ये प्रोसेस बताई गई इसमें। सरदार जी ने एकदम साधारण भाषा में बताया है, सबसे पहले हम कस्टमर को वही साइकिल में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसके बाद में उसको फॉल्ट कोड को डायग्नोस करेंगे स्कैनर से,
उसमें क्या आता है, उसके बाद उसको कोड को पढ़ेंगे। ये सारी प्रोसेस इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप दी गई है, ठीक है, इसमें क्या करना है क्या नहीं। इसमें मान लो रेल प्रेशर सेंसर कंट्रोल सर्किट, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट हाई, ये मान लो ये फॉल्ट आ रहे हैं आपके स्कैनर में, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, ये प्रोसेस इस बुक में एकदम 100% कंप्लीट है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी फॉल्ट इसके अंदर लिखे हैं सरदार जी ने एकदम साधारण भाषा में बताया है, इसको कैसे रीडिंग करना है और कैसे इस फॉल्ट को निकालना है, ठीक है। ये दोस्तों इस बुक को पूरा तो पढ़ के नहीं दिखा सकता, आपको ये परचेज करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के आगे का पेज तो मैंने दिखाया था, अब ये पीछे का बैक पेज है, इसमें सरदार जी का जितना भी काम है उसके बारे में बताया गया है। सरदार जी ईसीएम ट्रेनिंग देते हैं, इनका एकेडमी भी है हाईटेक करके, ठीक है। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आपको ये दो नंबर दिख रहे हैं, इन दोनों नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके ये बुक सरदार जी से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये इनका अपना यूट्यूब चैनल है, ये भी देखना, बढ़िया तरीके से सरदार जी ने सब कुछ बताया है आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ खराबी लगी तो आप मेरे को बता सकते हो दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।